गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 7 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज मैजिकल पावर। मैजिकल पावर मीन्स जिसके पास ताकत होती है, मैजिकल, जो मैजिक कर सकता है। मोहन, मोहित एंड लखन वर थ्री ब्रदर्स। जो मोहन, मोहित और लखन थे वो ब्रदर्स थे। दे वर वेरी पुअर, और वो बहुत ज़्यादा पुअर थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। सो व्हेन दे ग्रू अप दे डिसाइडेड टू गो आउट इन द वर्ल्ड टू अर्न मनी। और जब वो बड़े हुए, ग्रू अप मीन्स जब वो बड़े हुए, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो बाहर जाएंगे वर्ल्ड में अर्न टू अर्न मनी, पैसे कमाने। दे वॉक टूगेदर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड सॉ अ माउंटेन ऑफ सिल्वर। और वो थोड़ी दूर तक एक साथ चलते रहे। वॉक टूगेदर मीन्स साथ में चलना। एंड सॉ अ माउंटेन ऑफ सिल्वर, और उन्होंने क्या देखा, एक माउंटेन जो कि किसका बना था, सिल्वर का। मोहन सेड लेट अस टेक सम सिल्वर फ्रॉम दिस माउंटेन एंड रिटर्न होम। अब जो मोहन था उसने क्या बोला कि हम इस माउंटेन से थोड़ा सा सिल्वर ले लेते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। रिटर्न होम मीन्स घर वापस चले जाना। मोहित एंड लखन लाफ्ड एट हिम एंड टोल्ड हिम वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद दिस। अब जो मोहित और लखन थे वो उसके ऊपर हंसने लगे और उन्होंने उनसे क्या कहा कि हम सिर्फ इससे सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब हम सिर्फ इससे हैप्पी नहीं है। वी हैव टू गो फर्दर। मोहन डिड नॉट एग्री टू दिस एंड टुक एज मच एज सिल्वर ही कुड एंड रिटर्न होम। तो उन दोनों ने क्या बोला कि अभी हमें और आगे जाना चाहिए। वी हैव टू गो फर्दर मीन्स अभी हमें और आगे जाना चाहिए। लेकिन जो मोहन था वो इसके लिए नहीं माना, डिड नॉट एग्री मीन्स नहीं माना, और वो जितना सिल्वर वो उस माउंटेन से ले सकता था उसने लिया और वो अपने घर वापस चला गया। मोहित एंड लखन हैड टू क्रॉस सेवरल माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। अब जो मोहित और लखन थे वो आगे जाने लगे तो उन्हें बहुत सारे माउंटेन्स, सेवरल मीन्स बहुत सारे माउंटेन्स को क्रॉस करना पड़ा और फॉरेस्ट को भी। एट लास्ट दे रीच द माउंटेन विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। और लास्ट में जाके जब वो रुके तो उन्हें क्या मिला, एक माउंटेन जो कि किसका बना था, गोल्ड का। मोहित सेड टू लखन दिस इज अ माउंटेन ऑफ गोल्ड, लेट अस टेक एज मच एज गोल्ड वी वॉन्ट एंड रिटर्न होम। अब मोहित ने लखन से क्या कहा कि ये माउंटेन गोल्ड का है और हमें जितना गोल्ड इस माउंटेन से चाहिए हम ले लेते हैं और उसके बाद हम भी वापस घर चलते हैं। वी वुड लिव एज वेल्दी पीपल, और हम बहुत अच्छे लोगों की तरह, मतलब रिच लोगों की तरह रहने लगेंगे। बट लखन सेड ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन जो लखन था वो अब भी सेटिस्फाइड नहीं था, वो गोल्ड के माउंटेन से भी हैप्पी नहीं था। सो मोहित रिटर्न होम विद अ लॉट ऑफ गोल्ड, लेकिन जो मोहित था उसने उस माउंटेन से गोल्ड लिया और वो भी वापस घर चला गया। लखन वॉक्ड फर्दर, लखन और आगे चलने लगा। द फॉरेस्ट ही हैड टू क्रॉस वॉज वेरी बिग। अब जो उसे फॉरेस्ट क्रॉस करना था, मतलब जो जिसे उस फॉरेस्ट से निकलना था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। After that there was a big mountain and after crossing many mountains and forests he came to a very dark forest. अब उसके बाद एक उसे क्या मिला, एक बहुत बड़ा माउंटेन, और उसके बाद जब उसने उस माउंटेन्स को क्रॉस कर लिया, फॉरेस्ट को क्रॉस कर लिया, उसके बाद वो एक कहाँ पहुँचा, एक बहुत ज़्यादा डार्क फॉरेस्ट में, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। He climbed on a tree to see whether there was any city nearby. और वो उसके बाद कहाँ चढ़ गया, क्लाइम्ब मीन्स वो एक ट्री पर चढ़ गया ये देखने के लिए कि उस आसपास, नियर बाय मीन्स आसपास कोई सिटी है या नहीं। ऑन द ट्री ही सॉ अ टेबल क्लॉथ, और उस ट्री पर चढ़ने के बाद उसे क्या मिला, एक टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ मीन्स जो टेबल पर बिछाते हैं ना कपड़ा, उसे बोलते हैं टेबल क्लॉथ। ही टुक द टेबल क्लॉथ एंड क्लाइम डाउन, उसने वो टेबल क्लॉथ लिया और नीचे कूद गया। क्लाइम डाउन मीन्स नीचे कूद जाना। Then he thought that if only he had good food, he would not feel tired. अब उसने क्या सोचा कि अगर उसके पास अच्छा खाना होगा खाने के लिए तो वो tired नहीं होगा, मतलब वो थका हुआ feel नहीं करेगा। Then a table appeared before him. His tablecloth spread on the table. Very good and tasty food appeared on his table. जैसे ही उसने ये सोचा उसके बाद क्या हुआ, एक table उसके सामने आ गई। Appeared means कोई चीज़ हमारे एकदम से सामने आ जाना। हिज टेबल क्लॉथ स्प्रेड ऑन द टेबल, और जो वो टेबल क्लॉथ था वो पूरा का पूरा उस टेबल पर स्प्रेड हो गया, मतलब उस टेबल पर बिछ गया।
वेरी गुड एंड टेस्टी फूड अपीयर्ड ऑन द टेबल. और उसके बाद उसके सामने क्या आ गया, बहुत अच्छा और टेस्टी खाना. ही एट एज मच एज ही कुड एंड स्टार्टेड वॉकिंग फर्दर विद हिज टेबल क्लोथ. वो जितना खाना उसमें से खा सकता था उसने खाया और उसने वो उसके बाद उसने वो टेबल क्लॉथ लिया और वहाँ से चला गया. इन द नेक्स्ट सिटी ही सॉ अ पुअर ब्लैक स्मिथ. उसके बाद अगली सिटी में जहाँ वो पहुँचा उसे एक पुअर ब्लैक स्मिथ मिला. When Lakhan met him, the blacksmith offered him two chapatis. जब लखन उससे मिला तो blacksmith जो था उसने उसे two chapatis offer करी, मतलब उसे दो chapatis खाने के लिए बोला. Lakhan told him, I can give you food, good and tasty food. Then he took his tablecloth and wished food for two people. लेकिन लखन ने उससे क्या बोला कि मैं तुम्हें अच्छा और टेस्टी खाना खिला सकता हूँ, और उसने अपना टेबल क्लॉथ से विश करा कि वो दो लोगों के लिए खाना दे दे. ऑल सॉर्ट ऑफ नाइस फूड अपीयर्ड ऑन द टेबल. और जैसे ही उसने ये विश किया उसके सामने बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना आ गया. द ब्लैक स्मिथ एट एवरीथिंग एंड टोल्ड लखन, इफ़ यू गिव दिस टेबल क्लॉथ टू मी आई विल गिव यू अ मैजिकल बैग. और उसके बाद ब्लैक स्मिथ ने उससे क्या बोला लखन से कि अगर तुम मुझे ये टेबल क्लॉथ दे दोगे तो मैं तुम्हें एक मैजिकल बैग दूंगा. लखन वॉन्टेड टू टेस्ट द मैजिकल बैग. लेकिन जो लखन था वो पहले उसे टेस्ट करना चाहता था, मतलब उस मैजिकल बैग को देखना चाहता था कि वो क्या कर सकता है. द ब्लैक स्मिथ टुक द मैजिकल बैग एंड टैप्ड ऑन इट वंस. तो ब्लैक स्मिथ जो था उसने वो मैजिकल बैग लिया और उसके ऊपर टैप किया, मतलब उसके ऊपर हाथ से मारा एक बार. 10 वेरी स्ट्रॉन्ग मैन विद हॉर्सेस बोज एंड एरोज अपीयर्ड एंड आस्क्ड द ब्लैक स्मिथ मास्टर व्हाट कैन वी डू फॉर यू. 10 वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, 10 लोग जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हॉर्सेस के साथ, बोज के साथ और एरोज के साथ उसके सामने आ गए और उन्होंने ब्लैक स्मिथ से पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. ब्लैक स्मिथ रिप्लाइड, एट प्रेजेंट नथिंग एंड ऑल दोज मैन वैनिश्ड. जो ब्लैक स्मिथ था उसने क्या रिप्लाई किया कि अभी कुछ नहीं. और जैसे ही उसने ये बोला ऑल दोज मैन वैनिश्ड, वैनिश्ड मतलब गायब हो जाना, वो वहाँ से वैनिश्ड हो गए. लखन गेव द टेबल क्लॉथ टू द ब्लैक स्मिथ एंड टुक द बैग फ्रॉम हिम. अब जो लखन था उसने वो ब्लैक स्मिथ को टेबल क्लॉथ दे दिया और वो बैग उससे ले लिया. एज ही वॉक्ड विद अ माइल ही टुक द बैग एंड टैप्ड इट वंस. जैसे ही वो थोड़ी सी दूर चला उसने उस बैग पर एक बार टैप किया, मतलब एक बार अपने हाथ से मारा. और 10 वेरी स्ट्रॉन्ग मैन विद हॉर्सेज बोज एंड एरोज अपीयर्ड एंड आस्क्ड हिम मास्टर व्हाट कैन वी डू फॉर यू. जैसे ही उसने उस बैग पर टैप किया 10 वेरी स्ट्रॉन्ग मैन हॉर्सेस के साथ, बोज और एरोज के साथ उसके सामने आ गए और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. देन लखन टोल्ड देम गो बैक टू द ब्लैक स्मिथ्स हाउस एंड ब्रिंग माई टेबल क्लॉथ. उसने क्या बोला कि लखन ने क्या बोला उनसे कि तुम वापस से ब्लैक स्मिथ के घर जाओ और मेरा टेबल क्लॉथ उससे वापस ले आओ. All of them rode immediately to the blacksmith's house and easily brought back Lakhan's tablecloth. जैसे ही उसने ये बोला कि तुम उससे मेरा tablecloth लेकर आओ, वो 10 के 10 लोग blacksmith के घर चले गए और बहुत ही easily, बहुत ही आसानी से उसका tablecloth वापस ले आए. Lakhan walked further. This time he came to the house of a poor mason. The mason offered him a cup of rice. जब वो और आगे चला तो उसे कौन मिला, एक पुअर मैसन. मैसन कौन होते हैं, जो हमारे घर बनाते हैं जैसे, लेकिन वो कैसा था, बहुत ज़्यादा पुअर था, मतलब गरीब था. द मैसन ऑफर्ड हिम अ कप ऑफ राइस. और उस मैसन ने उसे क्या दिया, अ कप ऑफ राइस, मतलब चावल दिए उसे एक कप में. बट लखन टुक आउट हिज टेबल क्लॉथ एंड ऑर्डर्ड फॉर वेरी गुड फूड. लेकिन लखन ने अपना टेबल क्लॉथ निकाला और उसे ऑर्डर दिया बहुत अच्छा खाना देने के लिए. The mason was very happy and told Lakhan, "You give me this tablecloth and I will give you a magical cap." अब लखन ने मैसन ये देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया और उसने लखन से क्या बोला कि तुम मुझे ये टेबल क्लॉथ दे दो तो मैं तुम्हें एक मैजिकल कैप दूंगा. लखन वॉन्टेड टू टेस्ट द मैजिकल कैप. अब वो उस मैजिकल कैप का भी टेस्ट करना चाहता था, देखना चाहता था कि वो क्या कर सकती है. As soon as he put the magical cap and turned it twice, a huge army with horses and elephants came and asked master what we can do for you. जैसे ही उसने वो कैप अपने सर पर लगाई और उसे दो बार टर्न किया, मतलब उसे दो बार घुमाया, एक बहुत बड़ी आर्मी हॉर्सेस के साथ, एलिफेंट्स के साथ उसके सामने आ गई और उन्होंने उनसे पूछा कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं.
Lakhan told them at present nothing. He gave the tablecloth to the mason and put the cap and walked further. अब जो लखन था उसने कहा कि अभी तो कुछ नहीं, और उसने जो अपना टेबल क्लॉथ था वो मैसन को दे दिया और उससे वो कैप लेकर आगे चला गया. As soon as he walked 1 mile, he tapped the bag once. 10 very strong men with horses, bows and arrows appeared and asked to him, Master, what can we do for you? जैसे ही वो थोड़ी दूर चला, जैसे उसने पहले किया था ब्लैकस्मिथ के साथ, ऐसे ही उसने मैसन के साथ भी किया. उसने अपने बैग पर एक बार टैप किया और 10 वेरी स्ट्रॉन्ग मैन जो थे हॉर्सेस, बोज और एरोज के साथ, उनसे उस उन्हें बुला लिया और उन्होंने उनसे पूछा जब कि हमें क्या करना है. ही सेड टू देम, गो टू द हाउस ऑफ द मैसन एंड ब्रिंग बैक माई टेबल क्लॉथ. दे इमीडिएटली वेंट देयर एंड बॉट बैक हिज टेबल क्लॉथ. अब जैसे ही उसने क्या, जैसे ही वो 10 मैन अपीयर हुए उसके सामने, उन्होंने उसने उनसे क्या कहा कि जल्दी से मैसन के घर जाओ और मेरा टेबल क्लॉथ वापस ले आओ. वो तभी के तभी मैसन के घर गए और उसका टेबल क्लॉथ वापस ले आए. लखन वॉक्ड फर्दर, दिस टाइम ही केम टू द हाउस ऑफ अ वुड कटर. अब वो थोड़ा और आगे चला तो इस बार वो किसके घर आया, एक वुड कटर के घर जो वुड्स काटते हैं फॉरेस्ट में जाकर. द वुड कटर ऑफर हिम सम कुक्ड मेज. अब वुड कटर ने उसे क्या ऑफर किए, कुछ मेज. बट लखन टुक आउट हिज टेबल क्लॉथ एंड ऑर्डर्ड फूड फॉर टू पीपल. अब उसने फिर से अपना वही टेबल क्लॉथ निकाला और अच्छा खाना उससे दो लोगों के लिए मंगा लिया. द फूड कटर एट अ लॉट ऑफ फूड एंड आस्क्ड लखन, व्हाई डोंट यू गिव दिस टेबल क्लॉथ टू मी, आई विल गिव यू अ मैजिकल विसल. वुड कटर ने पहले तो वो सारा खाना खाया उसके साथ और उसके बाद उससे पूछा, क्या तुम ये टेबल क्लॉथ मुझे नहीं दे सकते, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक मैजिकल विसल. विसल मीन्स क्या होता है, सीटी. लखन वॉन्टेड टू टेस्ट द विसल. अब वो उस विसल को फिर से टेस्ट करना चाहता था जैसे कि उसने कैप और बैग को किया था. वेन ही स्टार्टेड प्लेइंग इट, फ्यूरियस स्टॉर्म ब्लू फ्रॉम देयर एंड स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग. जैसे ही उसने उसको प्ले किया, मतलब वो सीटी बजानी स्टार्ट करी, एक फ्यूरियस स्टॉर्म, बहुत ही खतरनाक तूफान आने लगा जो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगा, मतलब ख़राब करने लगा. देन लखन स्टॉप प्लेइंग द विसल एंड गेव हिज टेबल क्लॉथ टू द वुड कटर. और उसने उस विसल को बजाना बंद किया और वो टेबल क्लॉथ वुड कटर को दे दिया. बट आफ्टर वॉकिंग अ माइल ही अगेन टैप द बैग. अब थोड़ी सी दूर और चलने के बाद उसने फिर से अपने बैग पर टैप किया. 10 वेरी स्ट्रॉन्ग मैन विद हॉर्सेज, बोज एंड एरोज अपीयर्ड एंड आस्क हिम, मास्टर व्हाट वी कैन डू फॉर यू. और फिर से वो 10 स्ट्रॉन्ग मैन हॉर्सेज, बोज और एरोज के साथ उसके सामने आए और पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. लखन टोल्ड देम, माय टेबल क्लॉथ इज विद द वुड कटर, गो एंड गेट इट. द 10 मैन वेंट इमीडिएटली टू द हाउस ऑफ द वुड कटर एंड गॉट हिज टेबल क्लॉथ. अब फिर से उस लखन ने उनसे सेम काम कहा कि जाओ और मेरा टेबल क्लॉथ वुड कटर के पास है, वो ले आओ. और जैसे ही उन 10 लोगों ने ये सुना, वो टेबल इमीडिएटली वुड कटर के घर गए और उससे वो टेबल क्लॉथ वापस ले आए. लखन फेल्ट सेटिस्फाइड नाउ एंड रिटर्न टू हिज विलेज. अब जाके लखन थोड़ा सेटिस्फाई हुआ, उसे लगा कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए और वो अपने विलेज की तरफ वापस जाने लगा. ही वॉज स्टिल वियरिंग डर्टी क्लोथ्स एंड लुक वेरी पुअर. लेकिन अब भी उसके जो क्लोथ्स थे, उसने जो वियरिंग, मतलब उसने जो क्लोथ्स पहने हुए थे, वो अब भी बहुत ज़्यादा डर्टी थे, मतलब गंदे थे, और अभी भी वो बहुत ज़्यादा पुअर लग रहा था, मतलब गरीब लग रहा था. हिज ब्रदर्स लाफ्ड एट हिम एंड ड्रोव हिम आउट ऑफ देयर हाउस. उसके जो ब्रदर्स थे वो उसके ऊपर हंसने लगे. ड्रोव हिम आउट ऑफ देयर हाउस मीन्स, और उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया. लखन गॉट वेरी एंग्री एंड टैप्ड हिज बैग 3 times. 30 हॉर्स मैन came and asked, Master, what can we do for you? Lakhan replied, go and teach my brothers a lesson. अब लखन बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया जब उसके भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया. तो उसके बाद उसने बैग को 3 times टैप किया. जब वो बैग को 1 time टैप करता था तो 10 लोग आते थे, अब उसने 3 times टैप किया, इसलिए इस बार कितने लोग आए, 30. और उन्होंने उनसे पूछा कि हमें आपके लिए क्या करना है, और लखन ने उनसे क्या करने के लिए कहा कि जाओ और जाके मेरे भाइयों को एक लेसन सिखाओ, मतलब एक सबक सिखाओ. दे वेंट एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग द हाउसेज ऑफ मोहन एंड मोहित. वो गए और मोहन और मोहित के घर को तोड़ने लगे. ब्रेकिंग मीन्स तोड़ना. दे बोथ कंप्लेन टू द किंग. और ये देखकर उन दोनों ने किससे कंप्लेन करी, मतलब किससे शिकायत करी, किंग से.
देन द किंग सेंट हिज आर्मी, और उसके बाद किंग ने अपनी एक आर्मी को भेजा, मतलब अपने लोगों को भेजा। लखन देन रोट वोर हिज कैप एंड टर्नड हिज कैप ट्वाइस, अब लखन ने अपनी वो कैप पहन ली और उसे दो बार टर्न किया, मतलब दो बार घुमाया। अ वेरी ह्यूज आर्मी केम एंड डिफीटेड द किंग्स आर्मी, उसके बाद जो लखन की आर्मी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसने किंग की आर्मी को हरा दिया। डिफीटेड मीन्स हरा देना। द किंग हिमसेल्फ केम एंड आस्क फॉर पार्डन ऑफ लखन एंड टुक हिम टू हिज पैलेस, अब जो किंग था वो खुद उसके पास आया और उसने उससे माफ़ी मांगी। पार्डन मीन्स माफ़ी मांगना, और वो लखन को अपने साथ अपने पैलेस में जहाँ वो रहता था वहाँ ले गया। इन द पैलेस लखन शोड हिम द ट्रिक ऑफ हिज बैग एंड कैप, और पैलेस में जाके लखन ने अपनी जो बैग और कैप से जो वो कर सकता था वो ट्रिक उसने दिखाई। दैट डे द किंग्स मैन स्टोल लखन्स बैग एंड कैप एंड ड्रोव हिम आउट ऑफ द पैलेस, उसी दिन जो किंग के जो मैन थे उन्होंने लखन की बैग और कैप को स्टोल कर लिया, मतलब स्टोल मीन्स चुरा लेना, उन्होंने वो दोनों चीज़ें चुरा ली और उसे पैलेस से बाहर भेज दिया। लखन वॉज फ्यूरियस, इस अब लखन बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, फ्यूरियस मीन्स गुस्सा हो जाना। ही स्टार्टेड ब्लोइंग हिज विसल, और उसने क्या किया, अभी उसके पास एक विसल भी थी, उसने वो विसल को बजाना स्टार्ट कर दिया। अ ह्यूज स्टॉर्म केम एंड ऑल हाउसेज एंड पैलेसेस स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, और एक बहुत ज़्यादा ह्यूज स्टॉर्म, मतलब बहुत बड़ा तूफान आने लगा और सारे घर और पैलेसेस को तोड़ने लगा, गिराने लगा। फॉलिंग डाउन मीन्स सारे घर जो थे वो गिरने लगे। द किंग केम आउट एंड रिक्वेस्टेड लखन टू स्टॉप, उसके बाद जो किंग था वो बाहर आया और उसने लखन से रिक्वेस्ट करी कि वो ये सब बंद कर दे। ही ऑल्सो गेव बैक लखन्स बैग एंड कैप, और उसके बाद उसने जो लखन के बैग और कैप थे वो भी उसे वापस कर दिए। लखन देन मैरिड टू द किंग्स डॉटर एंड बिकेम द किंग ऑफ हिज ओन कंट्री, लखन ने उसके बाद जो किंग की डॉटर थी उससे शादी करी और वहाँ उस कंट्री का किंग बन गया।